सो गाइस आज मैं बताने वाला हूँ कुछ मस्ट हैव कार एक्सेसरीज जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है आपकी गाड़ी के लिए, इवन आपकी गाड़ी की सेफ्टी के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली एक्सेसरीज। तो हम अपने गाड़ी के बूट स्पेस के अंदर काफी ज्यादा सामान रखते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बूट ऑर्गेनाइजर, क्योंकि इसके साथ आप अपने सारे बूट की एक्सेसरीज और सामान को इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और इसके साथ आपको काफी सारा एक्स्ट्रा बूट स्पेस भी मिल जाएगा यूज करने के लिए, और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए भी आप इसको बहुत ही आसानी से एक्सपैंड भी कर सकते हैं, और जब आप इसको यूज नहीं कर रहे होते हैं तो आप इसको कम्प्लीटली फोल्ड करके भी रख सकते हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो अपने फ्रेंड्स के साथ रोड ट्रिप पे जाना डेफिनेटली बहुत फन होता है, पर उस रोड ट्रिप के बाद आपकी गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है, और इसको क्लीन करना मतलब। तो इस चीज के लिए मैं यूज करता हूँ ये हैंडी वायरलेस वैक्यूम क्लीनर, जिसका सक्शन भी काफी ज्यादा अच्छा है, चाहे वो सीट के ऊपर गिरे हुए स्नैक्स हो, या फिर फुटरेस्ट के ऊपर काफी ज्यादा मड या डर्ट हो, या फिर गाड़ी के डिफिकल्ट कॉर्नर्स हो, के साथ मैं सिर्फ आधे घंटे के अंदर अपनी पूरी गाड़ी को अच्छे से क्लीन कर पाता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो अगर आप डेली बेसिस पे अपनी गाड़ी को काफी ज्यादा ड्राइव करते हैं तो इसके काफी चांसेस है कि हमारा सिटिंग पोस्चर ड्राइविंग करते टाइम सही से मेंटेन नहीं होता है, और उसकी वजह से आपकी स्पाइन भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट होती है, और उसके ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर आता है, और उसके साथ हमको हो सकता है बैक पेन या फिर नेक पेन। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बैक सीट कुशन, जो कि एर्गोनॉमिकली डिजाइंड है हमारी बैक को नेचुरल पोजीशन में रखने के लिए, और उसके साथ हमारी बैक को एक प्रॉपर सपोर्ट भी मिलता है। तो क्या आपको पता है कि इंडिया में 70% गाड़ियों के टायर्स या तो अंडर इन्फ्लेटेड होते हैं या फिर ओवर इन्फ्लेटेड होते हैं, और अगर हमारी गाड़ी के अंदर टायर का प्रेशर कम है तो हमको काफी बार ये मालूम नहीं चलता है, और इसकी वजह से हमारे गाड़ी की ग्रिप काफी ज्यादा कम हो जाती है, और इवन ये हमारे टायर्स की लाइफ को 10,000 से 15,000 किलोमीटर तक कम कर सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक एयर प्रेशर चेकर, और इसके साथ आपको अपनी गाड़ी का प्रेशर महीने में 1 से 2 बार चेक करके जरूर मेंटेन करना चाहिए। और जब भी मेरी गाड़ी के अंदर टायर प्रेशर कम होता है तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एक हैंडी टायर इन्फ्लेटर। आपको जस्ट इसके क्लिप को गाड़ी के टायर के साथ क्लैम्प करना है, और इसको आपको राइट PSI पे सेट करके अपने टायर को इन्फ्लेट करना है, एंड दैट्स इट। इसको करने में आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, और इवन ये आपकी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर भी काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट एक्सेसरी जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है एक ब्लाइंड स्पॉट मिरर, और आप इस मिरर की वजह से उन ब्लाइंड स्पॉट्स को देख पाएंगे जो आप नॉर्मली नहीं देख पाते हैं पार्किंग करते टाइम, गाड़ी को बैक करते टाइम, या फिर अपनी गाड़ी को चलाते टाइम। तो इस ब्लाइंड स्पॉट मिरर के साथ आप यहाँ पे इजिली इस पर्सन को देख सकते हैं, जो कि आपको एक नॉर्मल मिरर के साथ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप इस मिरर को 360 डिग्री के अंदर कहीं भी रोटेट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और इसको इंस्टॉल करना भी काफी ज्यादा आसान है। सिर्फ यहाँ पे इन स्टिकर्स को हटा के इन दोनों पार्ट्स को जॉइन करके यहाँ पे अपनी गाड़ी के मिरर पे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कार की एम्बियंस लाइट के बारे में, जिसके अंदर आप चेंज करते हैं इसके डिफरेंट कलर्स को, और इवन आप इसको पार्टी मोड के ऊपर भी सेट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके म्यूजिक के साथ ये सिंक होके बहुत ज्यादा कूल लगती है। तो इसको इंस्टॉल करना भी काफी ज्यादा आसान है। इसके साथ आपको 4 लाइट्स मिलती हैं, जिसके अंदर 2 लाइट्स आप यहाँ पे स्टिकर हटा के गाड़ी के डैशबोर्ड के नीचे लगा सकते हैं, और ये बाकी 2 लाइट्स आप गाड़ी के पीछे वाली सीट के नीचे लगा सकते हैं, और इसको यूज करने के लिए आप गाड़ी के पावर सॉकेट के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की। तो हमारी गाड़ी सन और डस्ट के साथ काफी ज्यादा एक्सपोज रहती है, तो जिसकी वजह से हमारे गाड़ी का डैशबोर्ड और इंटीरियर काफी ज्यादा फेड आउट और डस्टी हो जाते हैं। मैं आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट रिकमेंड करूंगा, जो कि है कार डैशबोर्ड ड्रेसर, जिसके साथ आप अपने गाड़ी के इंटीरियर्स और डैशबोर्ड को एकदम नया लुक दे सकते हैं, और यहाँ पे आप गाड़ी के इंटीरियर्स में क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं स्प्रे को यूज करने से पहले और स्प्रे को यूज करने के बाद। तो ये नेक्स्ट प्रोडक्ट आपकी गाड़ी की सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, जो कि है कार डोर रिफ्लेक्टर्स, और इन रिफ्लेक्टर्स को आप बहुत ही आसानी से अपने चारों डोर्स के ऊपर लगा सकते हैं। तो ये डोर साइड रिफ्लेक्टर्स आपको काफी ज्यादा सेफ रख सकते हैं नाइट टाइम पे, और दूर से आती कोई भी गाड़ी आपके सडन डोर ओपनिंग को बहुत ही आसानी से नोटिस कर पाती है। तो हम यूजुअली अपनी गाड़ी के अंदर बैड ओडर को रिमूव करने के लिए आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस का यूज करते हैं, बट वो फ्रेग्रेंस बनी होती है हार्मफुल केमिकल से, जो काफी ज्यादा इम्पैक्ट करती है किड्स को और इवन एल्डर्स को। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक नेचुरली एक्टिवेटेड चारकोल बैग, जो ये काफी ज्यादा इफेक्टिवली आपकी गाड़ी से बैड स्मेल को निकाल देता है, और इवन आपकी गाड़ी की एयर को वो नेचुरली प्योरीफाई भी करता है। और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर नाउ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।